बदलते दौर के साथ साथ लोगों के रहन सहन में काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले जहां लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो वहीं अब लोगों का परिवार भी छोटा होने लगा है। आज के इस दौर में कई लोग ऐसे भी हैं जो घर परिवार से दूर बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं। आज तक रिलेशनशिप पर तो बहुत सी स्टोरीज आपको सुनने को मिली होंगी, लेकिन आज हम आपको सिंगल रहने वाले लोगों के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहेंगे। तो चलिए जानते हैं सिंगल पर्सनैलिटी रखने वाले लोगों के बारे में कुछ खास बातें। नंबर 1, पॉजिटिव थिंकिंग। ज़्यादातर धार्मिक भावना से जुड़े लोग भी अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग खुद को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं। ये लोग खुद में ही खुशी ढूंढते हैं। अकेले रहने वाले लोग दूसरों को कभी अकेला नहीं रहने देते। जितना हो सकता है वो लोगों की मदद करते हैं। वाकई अकेले रहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं वो आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं और जीवन के प्रति उनका नज़रिया पॉजिटिव होता है। नंबर 2, ओपन माइंड। अकेले रहने वाले लोग खुले विचारों के होते हैं। ये ना तो खुद घुटकर जीते हैं, न ही दूसरों को ऐसा करने देते हैं। ऐसे लोग दूसरों में कमियां देखने की बजाय सिर्फ खूबियां ही देखते हैं। लेकिन आपको बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि ये लोग बहुत शर्मीले किस्म के हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन जिनसे बातें करते हैं उनसे किसी भी हद तक जाकर बातें कर सकते हैं, और जिनसे ही अपने दिल की बातें करते हैं केवल वही बता सकते हैं कि ये लोग हर चीज़ के बारे में अपना नज़रिया बहुत ही अलग रखते हैं। ये लोग ओपन माइंडेड होते हैं, लेकिन किसी भी हाल में वो अपने मॉरल वैल्यूज़ से समझौता नहीं करते हैं। ऐसे लोग डिसिप्लिन में रहकर अपनी डेली रूटीन फॉलो करते हैं। नंबर 3, ऑनेस्ट। अकेले रहने वाले लोग हमेशा ईमानदार होते हैं। ऐसे लोग खुद की गलतियों को बहुत कम दोहराते हैं। ये लोग गलतियां करते भी बहुत कम हैं। इन्हें कोई भी काम दे दिया जाए उसे पूरी लगन के साथ पूरा करते हैं। इन्हें चैलेंजिंग काम करने में बहुत मज़ा आता है। यदि इन्हें कोई कह दे कि आप ये काम नहीं कर सकते, फिर तो इस पर्सनैलिटी के लोग उस काम को करके दिखाते हैं। नंबर 4, सेल्फ अवेयर। अगर हम इनकी अलग खासियत की बात करें तो ऐसे लोग अपने बारे में सब कुछ सही से जानते हैं, मतलब पूरी तरह से सेल्फ अवेयर होते हैं, और इनको अपनी सारी खासियत और कमजोरियां सही से पता होती हैं, और इसी के चलते ये लोग किसी भी काम को बड़ा ही सोच समझ कर करते हैं, और इसी के आधार पर ये किसी काम को करने का डिसाइड करते हैं, जिसकी वजह से ही ये लोग अपने द्वारा किए गए काम में आसानी से सफल हो जाते हैं। नंबर 5, फियरलेस। अकेले रहने वाले लोग कभी इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। ऐसे लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और अपने तरीके से खुलकर ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा निडर किस्म के होते हैं, किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं, और इसका अंदाज़ा आप सिर्फ उनसे बातें करके ही लगा सकते हैं। नंबर 6, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अकेले रहने वाले लोगों की इमोशन से खेलना आसान नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोग इमोशनली बेहद मजबूत होते हैं और अक्सर अपनी छोटी बड़ी गलतियों से खुद से ही कोई ना कोई सबक सीखते हैं। नंबर 7, सेल्फ डिपेंडेंट। अकेले रहने वाले लोगों को दूसरों पर डिपेंड रहना पसंद नहीं होता। दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं उनका इस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे लोग आर्थिक तौर पर भी किसी और पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते। ये अपनी ज़िंदगी में खुद कुछ करके दिखाना चाहते हैं। ऐसे लोग अपने लिए नियम खुद ही बनाते हैं और उनका सख्ती से पालन भी करते हैं।
ऐसे लोग सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपनी क्षमता और अपनी खुशी के हिसाब से ही काम करते हैं। ये थी सिंगल पर्सनैलिटी रखने वाले लोगों की कुछ खूबियाँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।